दोस्तों, आज मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसके माध्यम से हम किसी भी बैंक से बहुत आसानी से लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेना एक आसान प्रक्रिया है जिसे हम कठिन होने का वहम पाल रखे हैं। एक बिजनेस या लघु उद्योग के लिए हमें बैंक से लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, लघु उद्योग का विचार मन में आते हमारे सामने दो बातें आने लगती है। पहली कि एक अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है जिसमें अपने काम का मालिक मैं खुद रहूंगा और इनकम जो होगी वो हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी और मेहनत पर आधारित होगी। दूसरी बात सामने आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें पूंजी की चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार बिल्कुल तत्पर है। किसी बैंक से संपर्क करके मुद्रा लोन के अंतर्गत हम 5 लाख रुपयों तक का लोन बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसमें सब्सिडी भी मिलने वाली है। इस लोन को लेने के लिए जब आप अपने बिजनेस से संबंधित कोटेशन बैंक मैनेजर के सामने रखते हैं, जिसमें बिजनेस का प्रकार, आपके बिजनेस के लिए चुना गया जगह या दुकान, लगने वाली मशीन या अन्य टूल्स की लागत, फर्नीचर आदि अन्य खर्चों का ब्यौरा स्पष्ट रहता है, तो बैंक निश्चित रूप से उस पर विचार करती है। आपके बिजनेस के लिए तय किए गए जगह का निरीक्षण करके और आपके मजबूत इच्छा शक्ति और जुनून को देखकर बैंक लोन प्रोवाइड कर देती है। बैंकों का काम ही यही है, ब्याज पर पैसा लगाना ही उनका मुख्य पेशा और आधार है। बैंक मैनेजर की शर्त इतनी ही होती है कि वे आपकी ईमानदारी को समझना चाहते हैं और आपके अंदर आपके बिजनेस को लेकर उत्साह को देखना चाहते हैं। आपके बिजनेस का कोटेशन यानी रूपरेखा, जगह और दुकान देखकर उससे होने वाले लाभ की स्थिति को समझना चाहते हैं। यदि वो इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों को समझने में आप उनकी मदद कीजिए क्योंकि ये उनका हक है और जरूरी भी है। यदि हम अपने काम और लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो फिर दिक्कत कहाँ है? दोस्तों, हम लोग दिक्कत तो खुद ही पैदा कर लेते हैं क्योंकि हम अपने अंदर एक वहम पाल रखे हैं कि बैंक लोन तो देती है लेकिन पता नहीं कैसे लोगों को देती है। हम तो बैंक में दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं और हमें लोन नहीं मिलता, लेकिन असल में ऐसी बात है ही नहीं क्योंकि अगर हम परीक्षा देने जाए और हमारी तैयारी अच्छी हो ही नहीं तो फिर दोष किसका है? यही स्थिति बैंक के काम में भी है। जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम एक अच्छे बिजनेस का चुनाव कर लें जो हमारी रुचि और स्वभाव से मेल खाता हो और वह बिजनेस हमसे हो जाने वाला हो। फिर उसमें लगने वाले सारे सामान और मशीनों के तमाम खर्चों को लेकर एक कोटेशन तैयार कर लें या किसी एडवोकेट से करवा लें। उस बिजनेस को किस स्थान या दुकान पर किया जाएगा यह सुनिश्चित कर लें और हो सके तो उस फर्म को जिस नाम से आप शुरू करना चाहते हैं उस नाम से उत्पाद विभाग या संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लें। फिर पूरे कॉन्फिडेंस में किसी बैंक मैनेजर से मिलकर इससे संबंधित लोन की चर्चा करें। फिर काम कैसे नहीं होगा? निश्चित होगा क्योंकि आप जैसे तैयार होकर आए हुए लोगों के सहयोग के लिए ही तो बैंक है। इसमें किसी बिचौलिए या दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तैयारी अच्छी है। दोस्तों, मैं कल के वीडियो में एक सदाबहार लघु उद्योग की चर्चा करूंगा जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।